नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 3 से 9 मई 2020 के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, जो दिल्ली से 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और जयपुर से 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। सरिस्का भारत में पहला टाइगर रिजर्व है, जहाँ रॉयल बंगाल टाइगर्स को सफलतापूर्वक बसाया गया था, और वर्तमान में इस रिजर्व में लगभग 20 बाघ हैं। न्यूज में क्यों है? 1 मई को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के अंतर्गत डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व शीर्षक से 13वीं वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया। सामुदायिक पुलिसिंग प्रथा ठीकरी पहरा का संबंध किस राज्य से है? कम्युनिटी पुलिसिंग प्रैक्टिस ठीकरी पहरा इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, और साथ में हरियाणा भी। इसके तहत गांव के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गांव में रात के वक्त पहरा दिया जाता है, जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश ना कर सके। कोविड-19 के मद्देनज़र इस प्रथा का प्रयोग ग्रामीण लोग गांव में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं, जो 2 दशक पहले आतंकवादी गतिविधियों के दौरान ग्रामीण समुदायों ने अपने गाँव की रखवाली की। जब पंजाब में कुख्यात काला कच्चा गिरोह के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हुई, तब ग्रामीण समुदाय ने गांव की सुरक्षा के लिए ठीकरी पहरे का प्रयोग किया था। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान किसके द्वारा आरंभ किया गया है? टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ सीनियर सिटीजन्स, सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी कंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय हुम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग द्वारा पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र निवारक उपायों और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन सहित वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य एवं जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के तहत असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के 25 आकांक्षी जिलों में 29 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सम्मिलित किया जाएगा। दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। दलमा पहाड़ियों की श्रृंखला पर स्थित यह अभयारण्य जमशेदपुर से लगभग 13 किलोमीटर और रांची शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यह झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूमि एवं सरायकेला खरसावां जिलों में लगभग 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। न्यूज में क्यों है? 4 मई को पहली बार ऐतिहासिक रूप से झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के आदिवासियों द्वारा मनाए जाने वाला एक वार्षिक शिकार उत्सव विष्णु सेंद्रा पर्व के अवसर पर झारखंड में एक भी जानवर का शिकार नहीं किया गया। इस वर्ष आदिवासियों ने अपने घर में ही रहकर सदियों पुराने इस पर्व का जश्न मनाया, और वजह था कोविड-19 लॉकडाउन। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च बाय द इंडियन नेवी टू ब्रिंग बैक स्ट्रैंडेड इंडियंस फ्रॉम अब्रॉड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना की पहली शिप INS जलस्व मालदीव से 698 भारतीयों को लेकर कोच्चि पहुंचा। साथ में हवाई मार्ग से विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन भी लॉन्च किया। तो वंदे भारत मिशन हवाई मार्ग से है, जबकि समुद्र सेतु जल मार्ग से। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोवा में है। पूर्वी गोवा के सुंगुम तालुका में काली नदी के बेसिन में स्थित है। यह अभयारण्य लगभग 211 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत है। नेत्रावली या नेतुरली जुआरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जिसका उद्गम इस अभयारण्य में होता है। इस अभयारण्य के उत्तर में भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य और दक्षिण में
कोटीगांव वन्यजीव अभयारण्य है। न्यूज में क्यों है, 6 मई को गोवा के मुख्यमंत्री ने इस वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार ब्लैक पैंथर, तस्वीर देखिए, की उपस्थिति के बारे में बताते हुए इनकी एक तस्वीर ट्वीट की थी। विश्व में सबसे बड़े कोयला भंडार देशों में भारत की रैंकिंग क्या है, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स कंट्रीज, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। पांचवा स्थान है, भारत में पूरी दुनिया का 9.5% कोल रिजर्व है। टॉप 4 कंट्रीज कौन है, अमेरिका 22.3%, रूस 15.5%, ऑस्ट्रेलिया 14%, और चौथे नंबर पर है चाइना 13.1% कोल रिजर्व के साथ। कोयले का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं झारखंड सबसे ज़्यादा, सेकेंड नंबर पर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और बिहार। बिहार में ये भागलपुर और बांका जिला में है। न्यूज में क्यों है, केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई कोयला खदानों के जल्द परिचालन की सुविधा के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई यानी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट शुरू की है। इकाई शुरू करने का उद्देश्य अधिक बोली लगाने वालों को आकर्षित करना है। हाल ही में किस व्यापार संगठन ने एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च किया है, विच ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, CAIT, इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इस पोर्टल में खुदरा विक्रेताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और इस मंच में 95% खुदरा व्यापारियों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार ने देश में ई कॉमर्स बाजार को विकसित करने के लिए कई उपाय किए हैं। यह पहल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्देशित और समर्थित है। हाल ही में लगभग 200 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया था। वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म में लगभग 785 मंडियां संचालित हैं। किस बैंक ने इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, विच बैंक हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, SIDBI, और इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। यह प्लेटफॉर्म सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को परिचालन शुरू करने, वित्त या ऋण बढ़ाने और अन्य सहायक सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। सभी सरकारी योजनाओं का एक डैशबोर्ड भी इस प्लेटफॉर्म में रखा जाएगा। किस देश के खोजी पत्रकार जिनेत बेदोयालोमा को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2020 पुरस्कार दिया गया है, विच कंट्रीज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिनेत बेदोयालोमा हैज बीन गिवन द गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये कोलंबिया की है। इनकी रचनाएं देश में सशस्त्र संघर्ष और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर केंद्रित हैं। वार्षिक यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज एक व्यक्ति या संस्था को सम्मानित करता है जिसने प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। यह पुरस्कार 1997 में गठित किया गया था और इसका नाम कोलंबिया के पत्रकार गिलर्मो कैनो इज्जा के नाम पर रखा गया था जिनकी हत्या कर दी गई थी। यह पुरस्कार 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। हाल ही में लॉन्च किए गए द सरस कलेक्शन का संबंध किससे है, रिसेंटली लॉन्च द सरस कलेक्शन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर इसे लॉन्च किया। इसमें ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को प्रदर्शित करता है। यह GEM और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक पहल है। COVID-19 उद्देश्यों के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार ने छूट प्राप्त करने के लिए हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया है, विच पोर्टल हैज बीन रिसेंटली लॉन्च टू गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट टू ऑपरेट ड्रोन्स फॉर COVID-19 पर्पसेस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गरुड़। इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा यह पोर्टल
शुरू किया गया है। यह पोर्टल महत्वपूर्ण है क्योंकि कई राज्य निकाय सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु रहित करने के लिए ड्रोन तैनात कर रहे हैं, विशेष रूप से स्मार्ट सिटी सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में निगाह नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड ए प्रोग्राम कॉल्ड निगाह? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन लोगों के परिवारों के सदस्यों को जागरूक करना है जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं। निगाह कार्यक्रम के तहत होम क्वारंटाइन के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आशा, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा। आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश ने उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च करने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट आर्कटिका एम टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रूस ने। रूस की एक एरोस्पेस कंपनी की हालिया घोषणा के अनुसार रूस आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। इस उपग्रह का पहला संस्करण विकसित किया जा चुका है और इसे इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, जबकि दूसरा उपग्रह 2023 में लॉन्च किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग उपग्रह आर्कटिका एम से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों की मौसम संबंधी स्थितियों पर नजर रखी जाएगी और यह सटीक मौसम पूर्वानुमान में सहायता करेगा। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। किस राज्य सरकार ने आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित मोबाइल ऐप आयुष कवच लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आयुष कवच मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय आयुष मिनिस्ट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। यह एप्लीकेशन COVID-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह एप्लीकेशन कुछ अवयवों के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को आयुष क्षेत्र में विशेषज्ञों से सलाह लेने में भी सक्षम बनाता है। किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ इट्स करेंसी टू टोमन? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान मुद्रा की इकाई रियाल है। ईरानी सरकार के अनुसार एक टोमन 10,000 रियाल से मिलकर बनता है। घेरन एक अन्य मुद्रा इकाई है। 100 घेरन से एक टोमन बनता है। नई प्रणाली को ईरानी संसद द्वारा देश में उच्च मुद्रा स्फीति का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत किया गया है। टोमन बनाने के लिए पुराने करेंसी नोटों में से 4 शून्य को हटा दिया गया है। रियाल अभी भी वैध रहेगा। मुस्तफा अल कादिमी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मुस्तफा अल कादिमी हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इराक। नवंबर 2019 में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण आदेल अब्दुल महदी ने इस्तीफा दे दिया था। 7 मई को इराक की संसद ने मुस्तफा कादिमी को इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुनने के लिए मतदान किया। कादिमी के साथ 15 कैबिनेट मंत्रियों को भी संसद द्वारा अनुमोदित किया गया है। कादिमी किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं। यह एक पूर्व खुफिया प्रमुख थे और अप्रैल में राष्ट्रपति बरहम सोलिम द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया गया था। खगोल वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से अब तक के सबसे नजदीकी ब्लैक होल का पता लगाया है। यह पृथ्वी से कितनी दूर है? एस्ट्रोनॉमर्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड द क्लोजेस्ट ब्लैक होल टू अर्थ। हाउ फार इज इट फ्रॉम अर्थ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह धरती के इतना नजदीक है कि इसके द्वारा नृत्य करते 2 तारों को बिना दूरबीन के देखा जा सकता है। 1 प्रकाश वर्ष की दूरी 9,500 अरब किलोमीटर दूरी के बराबर होती है, लेकिन ब्रह्मांड यहाँ तक कि आकाशगंगा के संदर्भ में यह ब्लैक होल हमारा पड़ोसी है। इस नए ब्लैक होल का व्यास लगभग 40 किलोमीटर हो सकता है। इससे पहले मिला धरती का नजदीकी ब्लैक होल इससे लगभग 3 गुना यानी कि 3200 प्रकाश वर्ष दूर है। ब्लैक होल क्या होता है? यह किसी भी तारे का आखिरी समय माना जा सकता है। जब कोई विशाल तारा खत्म होने की ओर होता है तो अपने ही भीतर सिकुड़ने लगता है और आखिर में ये ब्लैक होल बन जाता है जो अपने भीतर किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ को निगल सकता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी। भारत में COVID-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल 2020 में बेरोजगारी दर कितनी रही? व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अप्रैल 2020
ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन इन इंडिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 27.1%। 5 मई को भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के केंद्र CMIE ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक इस समय 122 मिलियन यानी 12.2 करोड़ लोगों के पास कोई काम नहीं है। डाटा में कहा गया है कि कोविड-19 संकट के कारण 1.3 मिलियन दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार हैं। इसके अलावा 18.2 मिलियन उद्यमी बिना काम के हैं क्योंकि मजदूरों की कमी है। ग्रामीण बेरोजगारी भी 22.88% से बढ़कर 26.16% हो गई। कोरोना वायरस के बीच सभी लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? Who has become the first state in India to provide free and cashless insurance cover to all the people amid coronavirus? The right answer is option number D. Maharashtra. Maharashtra में अब हर व्यक्ति को मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बारे में घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को राज्य सरकार की हेल्थ स्कीम का लाभ दिया जाएगा। टोपे ने कहा कि वर्तमान में राज्य की 85% आबादी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत कवर है। इसका लाभ बाकी 15% आबादी को भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा मई 2020 के प्रथम सप्ताह तक कितने राज्यों को वन नेशन वन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है? हाउ मेनी स्टेट्स हैव बीन लिंक्ड विद द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम बाय द यूनियन गवर्नमेंट टिल द फर्स्ट वीक ऑफ मे 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 17 राज्यों को। 1 मई को केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान द्वारा 5 और राज्यों को इसमें जोड़ दिया गया है। अब इस योजना का लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन और दीव भी उठा सकेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी श्रीकांत माधव वैद्य। यही है वैद्य वर्तमान में देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOCL में डायरेक्टर फिनेंस हैं। ये वर्तमान अध्यक्ष संजीव सिंह से पदभार ग्रहण करेंगे जो जून 2020 में पद से सेवानिवृत्त होंगे। ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है डी राजकुमार, ये हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के चेयरमैन। और मुकेश कुमार सोडाना ये हैं चेयरमैन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस कंपनी के साथ भारतीय वायुसेना की 37 एयरफील्ड के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज रिसेंटली साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी टू मॉडर्नाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 37 एयरफील्ड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी टाटा पावर SED। 8 मई को इस परियोजना की लागत लगभग 1200 करोड़ रुपये है। एयरफील्ड अधोसंरचना के आधुनिकीकरण के प्रथम चरण के तहत भारतीय वायुसेना के एयरफील्ड को अपग्रेड किया गया था। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फेज 2 के तहत नेविगेशनल एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किसे द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the World War II medal by Russian President Vladimir Putin on the occasion of the 75th anniversary of victory over Nazi Germany? The right answer is option number C. Kim Jong-un। रूसी दूतावास की अधिसूचना के अनुसार उत्तर कोरिया के क्षेत्र में जीवन लगाने वाले सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने में उनकी भूमिका को मान्यता देने के लिए उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति को यह पदक प्रदान किया गया है। उत्तर कोरिया के इतिहास की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ ही होती है। जापानी आत्मसमर्पण के बाद सोवियत संघ और अमेरिका ने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के रूप में कोरिया को विभाजित करने पर सहमति व्यक्त की थी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं यानी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो उस PDF में मेंशन रहे तो इसके बारे में सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों PDF एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। यदि आपको करंट अफेयर्स का रिवाइज करना है एक PDF आपको 5 से 6 मिनट में रिवाइज कराने में आपको सफल बना देगा जबकि एक वीडियो आप 25 से 30 मिनट में देखते हैं। 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेल का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? इन विच ईयर
विल द 17th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 2023 में। 1 से 7 अगस्त 2021 के बीच टोबैगो और त्रिनिदाद में आयोजित होने वाले इस युवा खेलों को अब 2023 में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के साथ इसकी तारीखों का टकराव हो रहा था। कोविड-19 महामारी की वजह से टोक्यो ओलंपिक जो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 तक होने वाले थे, इसे अब अगले साल आयोजित किया जाएगा। विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को किस गैस के रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? विच गैस लीक कॉज्ड ए मेजर एक्सीडेंट इन विशाखापट्टनम ऑन 7 मई 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गैस का नाम था स्टायरीन। आरएस वेंकटपुरा गांव एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में केमिकल गैस उस समय लीक हुई जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, जब लोगों को गैस रिसाव की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई, जिससे 11 लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। अब ये स्टायरीन गैस क्या होता है? यह प्लास्टिक, पेंट और टायर जैसी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होती है। इंसानों के शरीर में जाने से आँखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, बेहोशी और उल्टी जैसी परेशानियाँ होने लगती है। इसका नर्वस सिस्टम पर सीधा असर होता है। यह एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है। विश्व की इंटरनेट की प्रतिशत पहुंच के मामले में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंटरनेट पेनिट्रेशन इन द वर्ल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तीसरे नंबर पर है 40% के साथ। टॉपर है अमेरिका 88% और दूसरे स्थान पर है चीन 61% के साथ। भारत में 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 504 मिलियन है, यानी 50 करोड़ के लगभग। चीन में यह संख्या लगभग 850 मिलियन यानी 85 करोड़ के लगभग है, और अमेरिका में है 28 से 30 करोड़ के लगभग। यानी आप संख्या के रूप में देखेंगे तो इंडिया हो जाता है सेकेंड चाइना के बाद, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया था परसेंटेज, तो परसेंटेज में तीसरे स्थान पर है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार ग्रामीण भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में 23 करोड़ के लगभग सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और शहरी क्षेत्र में लगभग 20.5 करोड़। यह भारतीय इतिहास में पहली बार है जब ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या ने शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को पीछे छोड़ दिया है, और 5 से 11 वर्ष के बीच के लगभग 7 करोड़ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के उपकरणों का उपयोग करके इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने अब तक कितनी बार नाम शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है? हाउ मेनी टाइम्स हैज नरेंद्र मोदी अटेंडेड नाम समिट एज प्राइम मिनिस्टर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक ही बार, वंस ओनली, 4 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस शिखर सम्मेलन में कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा की गई। 2016 में यह शिखर सम्मेलन वेनेजुएला और 2019 में अजरबैजान में आयोजित किया गया था। 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तेहरान नाम शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। ध्यान में रहे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में की गई थी। इसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिफ ब्रोज टीटो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह शीत युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य नव स्वतंत्र देशों को किसी भी गुट, चाहे अमेरिका हो या सोवियत संघ, दो ध्रुव में बट गया था दुनिया, इसमें शामिल होने के बजाय तटस्थ यानी न्यूट्रल रहना था। अभी वर्तमान में नाम के 120 सदस्य हैं और 17 पर्यवेक्षक देश हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 फोटो पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? 3 फोटो जर्नलिस्ट फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैव बीन अवार्डेड पुलित्जर प्राइज 2020? यही तीनों हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी गैर लाभकारी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर डार यासिन मुख्तार खान और चन्नी आनंद को फीचर फोटोग्राफी के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद उन्हें कश्मीर में विरोध प्रदर्शन, कर्फ्यू और झड़प की उत्कृष्ट फोटोग्राफी के लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अंतिम प्रश्न, इसके बाद पीडीएफ के बारे में जानकारी दी जाएगी जो रिविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया है? नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना इज लॉन्च इन विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों, पहला है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा तो यही योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और तीसरा योजना है वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की। कोविड-19 के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से झारखंड वापस लौट रहे 6 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के लिए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन तीनों योजनाओं को मनरेगा के साथ जोड़कर तैयार किया गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CIMA के आंकड़े के अनुसार झारखंड की बेरोजगारी दर बहुत ही ज़्यादा है, 47.1%, जो कि राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुना है। राष्ट्रीय औसत है 23.5%। तो चलिए अब चर्चा करते हैं MPN अकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और इसके PDF के बारे में। तो हम MPN अकेडमी पर करंट अफेयर्स को 2 तरीके से देख रहे हैं। एक, हम जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसको डेप्थ में जानते हैं, जैसे कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बिहार करंट अफेयर मंथली लीजिए, इसमें 30 क्वेश्चंस की सीरीज आती है। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसमें पूरे इन डेप्थ जाते हैं, उसके पूरे डिटेल्स में जाते हैं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे मिस ना हो। और इसके लिए फ्री वीडियो आपको मिलती है YouTube पे। लेकिन यदि आप PDF चाहते हैं फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, तो इसके बारे में आपको जानकारी थोड़ी देर में दी जाएगी। और दूसरा अप्रोच हमारा है विड्थ। कई बार ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि देखने में छोटे लगते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट उतने नहीं होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में कई बार दिखाई पड़ जाते हैं। उसके लिए हमने मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स की एक सीरीज बना के रखी हुई है, और बिहार करंट अफेयर्स में भी चलते चलते वाला जो सेक्शन है, लेकिन इसकी वीडियो नहीं आती है, ये PDF एक्सक्लूसिव है पैड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, MPN अकेडमी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो वहां आपको रिसेंट अपडेट्स नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं कि इसका PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हमारे पैड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। संपूर्ण व्याख्या के साथ PDF आपको मिलेगा और डिस्क्रिप्शन इसका हिंदी में रहेगा, लेकिन प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल रहेगा। इसके लिए कुछ सहायता शुल्क है, हेल्पिंग फी है, लेकिन ये आपको 13 मंथ्स के लिए मिलेगा, दिसंबर 2019 से शुरू होकर के दिसंबर 2020 के लिए। सिर्फ यदि आप बिहार करंट अफेयर्स चाहते हैं, जिसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट और मंथली बिहार करंट अफेयर्स होगा इन 13 महीनों के लिए, तो उसके लिए ₹300 चार्ज है। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो हर एक संडे को शाम को 6 बजे आती है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर किया जाता है, उसके लिए PDF ₹400। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज साथ साथ में मंथली करंट अफेयर जो कि सिर्फ हिंदी में आती है, तो ये भी आपको उपलब्ध हो जाएगा PDF। और ये सेक्शन है नेशनल और इंटरनेशनल के लिए, इसमें बिहार शामिल नहीं है, ₹500। और वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर्स जो कि नेशनल इंटरनेशनल का हिंदी वर्जन, और बिहार करंट अफेयर्स यदि आपको पूरा पैकेज चाहिए तो ₹600। दोस्तों, ये एक बहुत ही मामूली शुल्क है, साल भर का आपको मिल रहा है 13 महीने का। ये बहुत ज़रूरी था चैनल के ग्रोथ के लिए, हम चाहते हैं कि आपके लिए और अच्छे क्वालिटी कंटेंट तैयार कर सकें, तो इसीलिए ये इसकी व्यवस्था की गई है। बैंकिंग डिटेल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारी डिटेल्स मैं दे दूंगा। बैंकिंग डिटेल है प्रियंका कुमारी के नाम से, जिस यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, फोन पे, पेटीएम, UPI, गूगल पे के थ्रू से भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजेक्शन करके स्क्रीनशॉट को भेज दीजिए, इस पर आपको व्हाट्सएप पे ही PDF मिलना शुरू हो जाएगा। कृपया करके व्हाट्सएप पे अपना नाम और आप कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, ये भी जरूर मेंशन कर दीजिए। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।